शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। बेकार भाई महाराज, उसको छुआ मत। अरे ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ हो। तुम मेरे पिता की कब्र कैसी लगी तुम्हें? लोगों का कहना है कि आजकल तुम उतने ही मशहूर हो गए हो जितना कि मैं वो बच्चा जो बच गया, इसी झूठ से तुम मशहूर हो गए हो ना हैरी। मैं तुम्हें बताऊं कि 13 साल पहले इस रात असल में क्या हुआ था, क्या मैं ये भी बताऊं कि किस तरह अपनी पूरी शक्ति मैंने खो दी? तो सुनो, एक माँ की ममता, जब तुम्हारी प्यारी माँ लिली वाटर ने तुम्हारे लिए यानी अपने इकलौते बेटे के लिए जान दी, तो एक ऐसा कवच बन गया जिसे मैं छू नहीं सका। वो एक पुराना जादू था जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हालात बदल चुके हैं। मैं तुम्हें छू सकता हूं। अपनी जादू छड़ी उठाओ बॉटल, मैंने कहा उठाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ। ये सब तो तुम्हें सिखाया गया होगा है ना? पहले हम झुक कर एक दूसरे को सम्मान देंगे। चलो भी हैरी, नियम का पालन करो। डंबलडोर कभी नहीं चाहेंगे कि तुम तहजीब को बुला दो है ना? मैंने कहा झुको। ये ठीक है, और आप बहुत खूब हैरी, तुम्हारे माता पिता गर्व करेंगे, खास करके तुम्हारी मगलू माँ। आज तुम्हें कौन बचाएगा हैरी पॉटर? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आज के बाद कोई भी कभी मेरी ताकत को चुनौती नहीं देगा। आज के बाद तुम्हारे नाम का जिक्र सिर्फ इसलिए होगा कि किस तरह तुमने मौत की भीख मांगी और मुझ जैसे दयावान ने दे दी। खड़े हो जाओ। तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ देख सकूं। जैसा तुम चाहो।